नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी दोस्तों, भाइयों, मित्रों, साथियों का स्वागत करता हूं, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आज की इस वीडियो में ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि भारत के लिए इतिहास बनने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा एक ऐसी घोषणा की गई है जो आने वाले समय भारत के लिए इतिहास बनने वाला है। वो उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है और 2023 में करीब करीब इसका जो है बनने की संभावना व्यक्त की गई है। इसका जो है काल्पनिक चित्र भी बहुत सारे जारी की गई, जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि काल्पनिक चित्र ये है। ये जरूरी नहीं किसी तरह स्टेडियम बनेगा, ये सभी काल्पनिक चित्र है। जितने भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा सब काल्पनिक चित्र है। तो मैं कुछ जानकारी दे दूँ कि ये जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की गई है। जो पटनायक जी है नवीन पटनायक, उन्होंने वीडियो संदेश में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उड़ीसा एक बार फिर 2023 में विश्व कप हॉकी का मेजबानी करेगा। और मैं खास बता दूँ कि जो विश्व कप के जो टूर्नामेंट होंगे वो कौन कौन से जगहों में होंगे उड़ीसा में, तो सबसे पहले भुवनेश्वर, फिर राउरकेला और सुंदरगढ़ में ये जो है टूर्नामेंट खेले जाएंगे, जिसका नाम है FIH पुरुष विश्व कप 2023। भारतीय हॉकी को सुंदरगढ़ के योगदान के सम्मान स्वरूप में घोषणा करता हूं कि राउरकेला में नया नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाएंगे जिसकी क्षमता जो है 20,000 होगी। उन्होंने अपनी बातों में बहुत सारा डिस्कशन किया है, तो ये देख सकते हैं कुछ पॉइंट उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, यानी गुरुवार का दिन था, को भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की और 2,200 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के मैच खेले जाएंगे। और भी बहुत सारी जानकारी दी उन्होंने, बताया कि इस स्टेडियम में तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं होगी और आशा है कि दुनिया में यह हॉकी के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम में से एक होगा। हाल ही में राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, खेल और युवा कार्य मंत्रालय, हॉकी इंडिया के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी राउरकेला में करने वाली है। तो ये स्टेडियम का कुछ देख सकते हैं काल्पनिक है। उड़ीसा के भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की गई। 20,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में FIH पुरुष विश्व कप 2023 के मैच खेले जाएंगे। करीब 15 एकड़ में फैला यह स्टेडियम बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। तो एक विश्वविद्यालय है, कहाँ बनाया जाएगा, तो बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जा रहा है। कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 15 एकड़ में 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारे तमाम तरह की जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। इससे संबंधित जो है आने वाले समय में रेलवे NTPC की जो एग्जाम होने वाली 28 तारीख से, उसमें सवाल हमेशा पूछे नहीं जाने की संभावना बनी रहती है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाए, समझ के जाए और इस तरह का सवाल आने पर आप आसानी से जवाब दे सको। तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा। कब तक बनकर तैयार होगा, तो 2023 में 20,000 दर्शकों की क्षमता होगी, 15 एकड़ में यह फैला होगा और वहाँ की जो विश्वविद्यालय है बीजू पटनायक विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय, उसी के परिसर में बनाया जा रहा है। विश्व कप की मेजबानी की तैयारी, तो मैंने वो कहा है कि मेजबानी जो है उड़ीसा करने वाला है। तो हॉकी विश्व कप की को लेकर उड़ीसा सरकार की ओर से जोरदार तैयारी की जा रही है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सहित कई स्टेडियमों को संवारने का काम चल रहा है। क्या बदलाव किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। स्टेडियम में आधुनिक प्रेस गैलरी, VVIP, मेडिकल सुविधा, ड्रेसिंग रूम आदि की व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है। चारों कोनों में फ्लड लाइट सहित स्टेडियम में स्थित एस्ट्रोटर्फ को बदलने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा कम से कम 250 शानदार होटलों के कमरे, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि पर भी फोकस किया जा रहा है। यानी उड़ीसा को पूरी तरह से 2023 विश्व कप के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी अन्य देशों के खिलाड़ी आए तो लगे कि नहीं, एक भारत का देश उड़ीसा है। क्योंकि एक समय था कि उड़ीसा को बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन अब उड़ीसा की स्थिति सुधर गई है। वहाँ पर बहुत सारे माइनिंग से और बहुत सारी जो है वहाँ की संसाधन भी हैं, तो उड़ीसा जो है बहुत ही आगे सक्सेस होने वाला है और एक अच्छा राज्य है, एक इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे है देखा जाए तो बहुत कुछ सुविधा, मतलब उड़ीसा को जो है देश के लिए समर्पित स्टेडियम बनाने की घोषणा की। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, मोटेरा स्टेडियम
है ना, जिसमें हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है 26 जनवरी को उसका उद्घाटन भी किया गया था। तो अब जो है देश में भारत विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में, हॉकी का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब भारत में देखने को मिलेगा। तो इस तरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप इसका जवाब आसानी से दो, इसको रट लो, इसको याद कर लो, ताकि आप इसका जवाब दे सको, प्रैक्टिस भी करो आप। यह काम भी मतलब राउरकेला में जो है उच्च स्तरीय हॉकी इंडिया और कार्य मंत्रालय, युवा खेल महासंघ हॉकी के और राज्य सरकार की जो है सभी टीम जो है वहाँ पे दौरा कर रही है, और जल्द ही जो वहाँ पे बड़ा फैसला लिया जाएगा, और उम्मीद है कि जल्द ही जल्द यहाँ पे काम भी शुरू कर दिया जाएगा, और जल्द ही जो है 2023 के आने आने की शुरुआत में ही वहाँ पे लोगों के लिए जो है स्टेडियम भी खोल दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये था हॉकी स्टेडियम के बारे में, आई होप आप सभी को जो काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सबसे आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार, सबा खैर। और आते आते आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके नोटिफिकेशन उसका। तो आते आते आपसे फिर से अलविदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और लोगों को शेयर भी करना ना भूलें।